नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हम एक विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके तहत अभी तक कई लेक्चर्स, कई व्याख्यान आयोजित करते आए हैं और हमारी यही कोशिश रही है कि आपको इस श्रृंखला संबंधित विभिन्न विषयों से हम अवगत करा सकें। आपको बताना चाहेंगे कि आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जायसी और उनके पद्मावत पर। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और गत कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आप प्रयासरत हैं कि किस प्रकार आप छात्र छात्राओं को लाभान्वित कर सकें अपने ज्ञान रूपी सागर से, इसलिए सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से ये निरंतर प्रयास करती हैं और यही चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। मित्रों, अगर आप आज जायसी और उनके पद्मावत पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप साक्षात हमारे सीसी के लाइव व्याख्यान के माध्यम से डॉक्टर विनीता कुमारी से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप व्याख्यान के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें, जिससे सबसे पहले आपके लिए इस विषय को समझना आसान हो जाए और उसके उपरांत आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने का वादा हम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जायसी पर और जायसी की सुप्रसिद्ध रचना पद्मावत पर। जायसी मूलतः सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सुप्रतिष्ठित प्रतिनिधि प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का मध्यकाल जो 1375 विक्रमी संवत से प्रारंभ होता है, 14वीं शती से प्रारंभ होकर के और 19वीं शती तक चलता है, तो उस पूरे मध्यकाल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, जिसे पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, जिसे उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल है, उसमें भक्ति की दो प्रमुख धाराएं विकसित हुईं। एक सगुण भक्ति की काव्य धारा, जिसके अंतर्गत राम काव्य की धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आगे चल करके विकसित हुई, और दूसरी धारा थी निर्गुण भक्ति धारा की। और निर्गुण काव्य भक्ति धारा जो है, उसमें दो शाखाएं हमें मिलती हैं। एक मिलती है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे संत काव्य धारा कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक संत कबीर रहे। तो कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, रविदास, मलुकदास आदि जो संतों की परंपरा है, वो ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा में आते हैं। और दूसरी जो काव्य धारा थी, वे कहलाई प्रेमाश्रय काव्य धारा, जिसे सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। एक और जो भारतीय परंपरा को, भारतीय दर्शन को लेकर के संत काव्य की धारा ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मान करके चल रही है, तो वहीं उसके समानांतर प्रेम को आधार बना करके, प्रेम ही जिनका साधन और प्रेम ही जिनका साध्य रहा, तो ऐसी प्रेमाश्रय शाखा के रूप में एक सूफी कवियों का एक समूह था, जिन्होंने प्रेमाख्यानों की रचना की, और इसलिए वे काव्य धारा सूफी काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। और इस काव्य धारा में कुतुबन, मृगावती, मुल्ला दाऊद का चांदायन, जायसी का पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, फिर आगे हंस जवाहिर, शेख नबी, नूर मोहम्मद आदि अनेक सूफी कवि आते हैं। पर इस पूरी जो सूफी काव्य धारा है, उसमें सर्वोत्कृष्ट स्थान जायसी और उनके पद्मावत का जाता है। तो आज हम मित्रों चर्चा करेंगे जायसी पर। हम पहले जानेंगे जायसी के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि कवि का जो जीवन है, उसका जो व्यक्तित्व है, वह उसके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। तो उनकी जो मुख्य रचना पद्मावत की हम चर्चा करेंगे, तो पहले हम जायसी के
जीवन चरित से परिचित होंगे। तो हम देखते हैं कि जायसी का जन्म काल क्या है। निश्चित रूप से तो हम मध्यकाल के कवियों के जन्म काल के बारे में नहीं कह सकते, परंतु विद्वानों ने अंतः साक्ष्यों के आधार पर और बहिर साक्ष्यों के आधार पर उनका जन्म काल निर्धारित करने का निर्णय लिया है या निश्चय किया है। अंतः साक्ष्य के रूप में देखें तो जो जायसी की रचनाएं हैं उनमें हमें एक दो पंक्तियां मिलती हैं जिनके आधार पर विद्वानों ने इनका जन्म काल निश्चित करने का प्रयास किया। जैसे आखिरी कलाम इनकी रचना है और उसमें एक पंक्ति आती है, भा अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, कि मेरा जन्म कब हुआ, 9वीं सदी में, और 9वीं सदी से जब 30 वर्ष ऊपर हो गए थे तब मैंने ये रचना की। कवि बदी मतलब कवि ने रचना की। इसी तरह से पद्मावत में एक पंक्ति आती है, 900 बरस 36 जब भए तब यही कथा के आखर कहे, आखर अक्षर, कि जब 936 हो गए तब ये कथा कही गई, कथा का वर्णन किया गया। तो इन पंक्तियों को आधार बना करके और इसके साथ ही शेरशाह के समय में जायसी हुए हैं और जायसी ने शाह वक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा की है, उनकी दानवीरता की प्रशंसा की है। और शेरशाह का समय हम इतिहास में देखते हैं तो वे 940 हिजरी में शेरशाह थे, तो 940 में वे थे तो इसका मतलब जायसी उनसे पूर्व उत्पन्न हुए। तो जायसी का आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका सुप्रसिद्ध इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, उनमें उन्होंने इनका जन्मकाल 900 हिजरी माना है। जैसे विक्रमी संवत होता है, ईसवी सन है, इसी तरह से हिजरी माना जाता है। और 900 हिजरी का अगर हम ईसवी सन में देखते हैं तो वो 1492 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कुछ विद्वान 1498 ईस्वी सन भी मानते हैं और राम पूजन तिवारी तो उनसे पूर्व जा कर के 872 हिजरी तक ले जाते हैं, परंतु वे उतना मान्य नहीं रहा। तो आचार्य शुक्ल जी के ही मत का हम समर्थन करते हुए इनका जन्मकाल 900 हिजरी मानते हैं। और इनका जो जन्म स्थान है वे जायस नगर है। जायसी स्वयं कहते हैं, जायस नगर मोर स्थानु नगर का नाव आदि उदयानु, आखिरी कलाम में ये पंक्ति आती है। और इसी तरह से पद्मावत में भी वे कहते हैं, जायस नगर धर्म स्थानु, कि जो धर्म का स्थान था, तहां आई कवि कीन बखानु। अब यहाँ जब ये पंक्ति आई, तहां आई, तो आई को देख करके विद्वानों को ये संदेह होता है, शोधकर्ताओं को ये संदेह होता है कि वे जायस में उत्पन्न नहीं हुए थे, वह कहीं से आए थे और जायस में आकर रहने लगे थे, कि वहाँ आकर के कवि ने पद्मावत की रचना की। परंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा यही मत मान्य है कि उनका जन्म स्थान जो है वो जायस नगर ही रहा। और इनके पूर्वज जो थे वे अरब के रहने वाले थे और वहाँ से ये आकर के भारत में बस गए और भारतीय संस्कृति में रच बस गए। और इनका मूल नाम जो था वो मोहम्मद था। पूरा नाम जब कहते हैं तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो मोहम्मद जो है वो नाम है और जायस नगर में रहने के कारण इनकी उपाधि हो गई जायसी, और जायसी इनका उपनाम हो गया और इनको एक उपाधि प्राप्त हुई थी, मलिक उपाधि, जो इनको वंश परंपरा से प्राप्त हुई थी। तो वंश परंपरागत उपाधि के कारण इनका पूरा नाम बन गया मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो जायसी की रचनाओं से भी पता चलता है कि वे बचपन में ही, उनको चेचक हो गया था जिसके कारण उनके पूरे चेहरे पर चेचक के दाग हो गए थे और एक आंख नहीं थी, का एक कान से भी कम सुनाई देता था, परंतु गुणी बहुत थे, अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, बहुविध ज्ञानी थे।
शेरशाह के दरबार में जाते हैं तो शेरशाह मतलब इनको देख करके उसे हंसी आ जाती है, तो ये उनको कहते हैं मोकी हससी की कोह रही, कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर, विधाता पर तुम हंस रहे हो। तो ये सुनकर के शेरशाह लज्जित अनुभव करते हैं और बाद में वे इनके गुणों से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वे इनका अनुयायी बन जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो ज्योतिष काव्य शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के, काम शास्त्र के, पाक शास्त्र के, वनस्पति शास्त्र के, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे और इनकी रचनाओं में इन सब का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है इनकी बहुज्ञता का। और बड़े मध्यम परिवार से थे, खेती करने वाला परिवार था, किसान परिवार के थे, परंतु इन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भी सूफिया दर्शन का आजन्म पालन किया। और इनके जो शाही वक्त थे शेरशाह थे, और शेरशाह के बारे में वो स्वयं कहते हैं शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारियो खंड तपे जस भानु। और इनके जो गुरु की बात की जाती है तो इनके रचना में पद्मावत में जो पहला ही खंड स्तुति खंड है उसमें सैयद अशरफ का नाम भी आता है, शेख बुरहान का नाम भी आता है और मोहिनुद्दीन का नाम भी आता है। तो सैयद शफरफ अशरफ जो थे वो इनको प्रारंभिक ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ था और इनके दीक्षा गुरु जो हैं वो शेख बुरहान ही माने जाते हैं, उन्हीं को स्वीकार किया जाता है। अब हम मित्रों बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। वैसे तो इनकी अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है इतिहास ग्रंथों में, कोई 21 ग्रंथों की बात करता है, कोई 24 ग्रंथों की बात करते हैं, पर जो इनकी उपलब्ध रचनाएं हैं वे 6 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पहली हम रचना की बात करें तो कहरा नामा। कहरा नामा जो है एक अन्योक्ति परक रचना है, इसमें महरि और कहार की कथा के माध्यम से आध्यात्मिक साधना का प्रतिपादन किया गया है। दूसरी रचना है मसला नामा। मसला नामा प्रसिद्ध लोकोक्तियों के आधार पर सूफी प्रेम साधना और सूफी विचारों का प्रतिपादन करने वाली रचना है। और तीसरी इनकी रचना है अखरावट। अखरावट में करतार, जीव, जगत, गुरु, धर्म, आचरण संबंधी विषयों का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। इसमें 54 दोहे हैं और 54 ही सोरठे हैं। दोहा और सोरठा छंद में ये रची गई रचना है। और एक इनकी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में 60 दोहे और 420 अर्धालियाँ, लघु रचना एक, और इसमें इस्लाम के कयामत संबंधी विश्वास पर आधारित ये रचना है, उस पर विचार किया गया है। एक और रचना जो इनकी बाद में उपलब्ध हुई वे भी सूफी प्रेमाख्यानों की परंपरा में आती है, चित्ररेखा। चित्ररेखा मसनवी शैली में रचित प्रेमाख्यान है, एक लघु प्रेमाख्यान है और सूफी प्रेम साधना का प्रतिपादन करना इस रचना का मूल उद्देश्य रहा है। और जायसी की सर्वश्रेष्ठ कृति पद्मावत है, जिनके कारण वे उनकी एक अलग पहचान बनी है। और जितनी भी मध्यकालीन प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना हुई उन रचनाओं में जायसी के पद्मावत का विशिष्ट स्थान रहा है। और पद्मावत भी मसनवी शैली में रचित एक प्रख्यात प्रेमाख्यान परक महाकाव्य है, प्रतीकों के माध्यम से रहस्य साधना का इसमें निरूपण किया गया है, भारतीय प्रेम और सूफी दर्शन का निर्मल और उदात्त सम्मिलन इस रचना में है। जायसी सूफी कवि रहे, सूफी दर्शन का प्रचार करना, अध्यात्म का प्रचार करना उनका मूल उद्देश्य था, परंतु भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति से इस संस्कृति में इस तरह से रच बस गए थे कि उन्होंने दोनों धर्मों के मध्य एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और भारत में जो प्रचलित प्रेम कथाएं थी, लौकिक प्रेम कथा थी,
उसको आधार बना करके उसके माध्यम से सूफी दर्शन को का उसमें सम्मिलन करते हुए, सूफी दर्शन को उसमें समन्वित करते हुए एक उत्कृष्ट रचना के रूप में हमारे सामने रखते हैं, जो एक उदात्त रूप लेकर के, एक दिव्य रूप लेकर के प्रस्तुत हुई है। अब जायसी के पद्मावत रचना का मूल प्रयोजन क्या है, अब हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र में ही कहा जाता है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, कि या तो काव्य यश के लिए किया जाता है, अर्थ प्राप्ति के लिए किया जाता है, शिवेतर क्षतये, कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न रचना की समाप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से, या कांता सम्मित उपदेश के रूप में किया जाता है। तो कवि रचना करने के लिए इनमें से किसी ना किसी प्रयोजन से जुड़ता है। तो जायसी की रचना का जो उद्देश्य है, निसंदेह यश तो है ही, कि उनकी एक पहचान, उनकी एक निशानी उनके जाने के बाद भी बनी रहे, ये वे स्वयं कहते हैं। औ मन जानी कबित असखीना, मकु यह रहे जगत मह चीना। मकु की शायद इस रचना के बाद एक चीना, एक मेरी पहचान, एक मेरी निशानी इस संसार में बनी रहे। और यही है, आज हम पद्मावत के कारण जायसी को जानते हैं, उनकी एक पहचान, उनकी एक निशानी बन गई है। और इनका प्रयोजन बड़ा ही उदात्त और भव्य रहा, आध्यात्मिक प्रेम का निरूपण करना, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण करना, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का वर्णन करना, ये इनकी रचना का मूल प्रयोजन रहा। और यश तो मुख्य था ही, ऐसी रचना करेंगे तो उससे यश की प्राप्ति होगी ही, और यश के लिए तो वे कहते हैं कि यश को कोई खरीद नहीं सकता, यश को कोई बेचा नहीं जा सकता। और ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, इस कहानी को आप पढ़िए, हम सुमेरे दुईबो, काहू ना जगत जस बेचा, काहू ना लीन जस मोल, कि यश को ना तो कोई बेच सकता है और ना ही कोई उसे मोल खरीद सकता है। जो ये पढ़े कहानी हम सुमेरे दुई बोल, कि बस वो इस, हमारा तो उद्देश्य यही है कि इस प्रेम कहानी को कोई पढ़े और हमारा स्मरण करे, हमें याद करे। तो ये रचना का मूल उद्देश्य है, प्रेम का प्रचार प्रसार करना, समाज में एक दिव्य प्रेम की स्थापना करना। और इसी उद्देश्य को अपने सामने रखते हुए जायसी ने एक विशाल काय प्रेमाख्यानक की रचना की पद्मावत के रूप में। इसके जब हम कथानक की बात करें, वर्ण्य विषय की बात करें, तो वो बड़ा सुसंगठित है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित कथानक है। और इसका कथानक इतिहास और कल्पना के मेल से बना हुआ है। प्रेम कथा भारतीय समाज में पहले से चली आ रही थी, कल्पना की बात, कथा कोई पूरी तरह से कल्पित नहीं है, वे एक लोक कथा के रूप में प्रचलित थी, और उस लोक में प्रचलित कथा को अपनी कल्पना के सहारे, अपनी कल्पना का रंग देते हुए, और उसमें इतिहास का, क्योंकि पात्र जो है वो इतिहास से लिए, और उनके व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण करते हुए कवि ने इस रचना को प्रस्तुत किया। और इस रचना के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध तो पूरी प्रेम कथा चलती है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति, कवि की मौलिकता, कवि की बहुज्ञता का पता चलता है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती है, और नागमती के नागमती रूप गर्विता है, उसे अपने रूप पर गर्व है। और एक बार वे हीरा मंसुआ के सामने कहती है, क्या संसार में मेरे से बढ़कर कोई सुंदर है? तो सुआ जो है उसके सामने पद्मावती की बात करता है कि पद्मावती का सौंदर्य तो अपूर्व है, अद्भुत सौंदर्य है, उसके सामने तो सभी उपमान। फिर और वे फिर पद्मावती के सौंदर्य का पूरा वर्णन करता है।
और उसके पश्चात नागमती को लगता है कि कहीं इसने रत्नसेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, उसका गुणगान कर दिया, तो वो मुझे छोड़कर चला ना जाए, तो वो उस तोते को मरवाने का आदेश दे देती है। पर दासी उस तोते को मारती नहीं है, छुपा लेती है, और वे राजा के समक्ष किसी तरह से फिर पहुंच जाता है और वे राजा के सामने पद्मावती के सौंदर्य का उसके गुणगान करता है। और रत्नसेन उसका गुणों का वर्णन सुन करके मूर्छित हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने के लिए निर्णय कर लेता है और योगी का वेश धारण करके घर से चला जाता है। अनेक बीहड़ जंगलों में घूमता है, अनेक बाधाएं, अनेक कष्ट सहन करता है, अनेक संघर्षों को पार करता हुआ और वे सिंहल द्वीप पहुँचता है जहाँ पद्मावती से उसका मिलन होता है। फिर दोनों का विवाह होता है और नागमती इधर उनके वियोग में व्याकुल रहती है और वे लगातार उनके पास संदेश भेजती रहती है। और फिर कुछ समय बाद नागमती का संदेश प्राप्त करके रत्नसेन पद्मावती को लेकर अपने चित्तौड़ वापस लौट कर आता है। तो पूर्वार्ध की तो यहाँ तक कथा है जिसमें मौलिकता भी है, कल्पना भी है और एक प्रेम का स्वरूप चित्रित किया गया है। कवि को जहाँ भी अवसर मिला है उसने प्रेम के महत्व को चित्रित किया है। और फिर उत्तरार्ध ऐतिहासिक है जिसमें राघव चेतन से नाराज़ होकर के राजा उसे देश निकाला दे देता है और राघव चेतन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन के पास चला जाता है और वहाँ जा कर के पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि पद्मावत में पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करने का कवि को तीन बार अवसर मिल जाता है। पहले नागमती के सामने सुआ उसका गुणों का गान करता है, फिर राजा रत्नसेन के सामने सुआ उसके सौंदर्य का वर्णन करता है और तीसरी बार राघव चेतन अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करता है। और उसको सुन करके अलाउद्दीन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है और वे चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। युद्ध काफ़ी समय तक चलता है और अंततः दोनों में मेल करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन आता है और रत्नसेन उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करता है और वह वहाँ दर्पण में पद्मावती को देख करके उसके सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो जाता है और उसके मन में पद्मावती को प्राप्त करने की पुनः इच्छा जागृत हो जाती है। और रत्नसेन जब उनसे बाहर छोड़ने के लिए आता है, विदा करने के लिए आता है, तो वहीं वे उन्हें बंदी बना करके छल से अपने साथ दिल्ली ले जाता है। तो और फिर रत्नसेन को छुड़वाने के लिए गोरा बादल जाते हैं, पालकियों में पद्मावती के बहाने से जाते हैं और वहाँ जा कर के अलाउद्दीन के पास जा कर के और ये कहते हैं कि पद्मावती आई है और आपके सामने समर्पण करने के लिए आई है। और अलाउद्दीन के पास 1600 सैनिक पहुँच जाते हैं, 16,000 सैनिक पहुँच जाते हैं और वहाँ युद्ध होता है और ये रत्नसेन को छुड़वा कर ले आते हैं। और आने के बाद क्या देखते हैं कि रत्नसेन को पता चलता है कि कुंभल नेर का राजा देवपाल जो है उसकी कुदृष्टि पद्मावती पर है, तो वे उनके साथ युद्ध करने के लिए जाता है और रत्नसेन वहीं युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसके शव के साथ ही रानी पद्मावती भी और नागमती सब सती हो जाती है। और अलाउद्दीन जब आता है तो उसके हाथ में राख का ढेर मिलता है। तो इस तरह से ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, ऐतिहासिक कथा को लेकर उसमें अपनी मौलिक प्रतिभा का सम्मिश्रण करते हुए कवि ने एक बहुत सुंदर प्रेमाख्यानक की रचना की। और इसमें पद्मावती के सौंदर्य का, नागमती के विरह का वर्णन, रत्नसेन के साहस, त्याग, शौर्य की अत्यंत प्रभावोत्पादक शैली में व्यंजना की गई है। तो पद्मावत में जायसी का मुख्य उद्देश्य प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करना है, इसीलिए इस पूरी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा कहा जाता है। और प्रेमाख्यानक का मतलब भी प्रेम का आख्यान करना, प्रेम की कथा कहना। कवि का लक्ष्य भी प्रेम है, साध्य भी प्रेम है और साधन भी प्रेम है। अब वे जो प्रेम का चित्रण कर रहे हैं उसमें कवि ने आध्यात्मिक प्रेम को जोड़ दिया है,
वे मात्र लौकिक प्रेम ना रह करके आध्यात्मिक प्रेम हो गया है। और जायसी की जो प्रेम भावना है उसमें भारतीय और सूफी दोनों प्रेम पद्धतियों का समान रूप से अंतर्भावन हुआ है। प्रेम के विषय में जायसी स्पष्ट कहते हैं, प्रेम अदिष्ट गगन ते ऊंचा, ध्रुव ते ऊंच प्रेम ध्रुव उवा, सिर दे पाँव देई सो छुवा, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गड़ा, सो पे चढ़े सीस सो चढ़ा। कि प्रेम को तो स्थान आकाश से भी कहीं अधिक ऊंचा बनाया गया, ध्रुव से भी ऊंचा है, प्रेम ध्रुव सबसे ऊंचा है और इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। सिर पर पांव रख करके जो बढ़ता है आगे, जो पूर्ण समर्पण के भाव से आगे बढ़ता है, वही इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और प्रेम रूपी इस पहाड़ पर तो चढ़ना जो है बड़ा ही कठिन है, और सो पे चढ़े शीस सो चढ़ा, जो सिर के बल चढ़ के जाता है वही इस प्रेम के पथ पर आगे बढ़ सकता है। और प्रेम अटल है, स्थिर है, तीन लोक 14 खंड सबे परे मोहि सूज, प्रेम छाड़ी नहीं लौन कछु जो देखे मन बूझ। कि पूरे इस संसार में तीनों लोकों में 14 खंड इस पृथ्वी में मुझे सिर्फ यही सूझ पड़ता है, सब तरफ यही दिखाई देता है कि प्रेम को छोड़ करके और कुछ सच नहीं है, प्रेम ही स्थिर है, प्रेम ही अटल है। और जो इस बात को मन में समझ लेता है, बूझ लेता है, वे ही प्रेम की वास्तविकता को जान पाता है। और जो पद्मावत में प्रेम का निरूपण किया गया है, पद्मावत में निरूपित प्रेम एकांतिक गूढ़ और गंभीर होकर के जीवन के दोनों तटबंधों को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। वह एक ओर एकांतिक और निजी है तो दूसरी ओर सामाजिक और पारिवारिक भी है। उसमें भावना और व्यवहार का, पीर और संघर्ष का, तथा व्यक्ति चेतना और लोक चेतना का समान योग है। तो दोनों का मिश्रण इस प्रेम में दिखाई देता है। उसमें एकांतिकता प्रेम भी है और सामाजिकता भी है, वो समाज से जुड़ा हुआ भी है, वे भावना के स्तर पर भी है और व्यवहार के स्तर पर भी है। उसमें प्रेम की पीर भी है और प्रेम की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष भी हैं, कि बिना संघर्ष किए इस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण है कि रत्नसेन जब अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए जाता है तो मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक कष्टों को सहन करता है, तूफान आ जाते हैं, बीहड़ जंगल में रास्ता भटक जाता है, तो अनेक संघर्षों को सहन करते हुए वे आगे बढ़ता है। और इसमें व्यक्ति चेतना और लोक चेतना दोनों का समान योग है। और जैसा कि मित्रों मैंने पहले ही कहा कि जो जायसी का प्रेम है, निरूपण है, वे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की साधना की ओर बढ़ना है। और इसके लिए वे स्पष्ट कहते हैं, तिन पावा उत्तम कविलासु, जहां नमीच सदा सुख वासु, प्रेम पंथ जो पहुंचे पारा, बहुरी न आई मिले यही छारा। कि वे जो मार्ग है, वे जो स्थान है, वो उत्तम स्थान है और वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ न मिचु मृत्यु नहीं है, सदा सुख, सदा आनंद, सदा सुख की स्थिति है। यही हमारा भारतीय अद्वैतवाद कहता है, भारतीय दर्शन की यही है। और फारसी सूफी पद्धति में और भारतीय दर्शन का, दोनों का सम्मिश्रण करते हुए जायसी जो है प्रेम का चित्रण कर रहे हैं कि इस प्रेम के पंथ को जो पार कर जाता है, इस पर जो आगे बढ़ जाता है, बहुरी न आई, उसे फिर दोबारा इस संसार के बंधनों में बंधना नहीं पड़ता, वे बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है, मिले यही छारा, और यही वो मिल जाता है, उसका एकाकार हो जाता है। इस तरह से मित्रों आज हम चर्चा हमने की है जायसी के प्रेम को लेकर के, अब जायसी के सौंदर्य निरूपण को लेकर के और पद्मावत की जो अन्य विशेषताएं हैं
उनकी चर्चा हम क्षणिक अंतराल के बाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी को, जिनके माध्यम से आज हम जायसी और उनके पद्मावत पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप इस विषय पर और जानकारी अर्जित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से अंतराल के बाद हम आप सभी के सम्मुख पुनः प्रस्तुत होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, CCKS लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं आज हम जायसी और उनके पद्मावत पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इस सेशन के लिए एक बार फिर बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप सभी छात्र छात्राओं को निरंतर लाभान्वित करती हैं। मित्रों, अगर आज आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि आप जायसी और उनके पद्मावत पर और जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकें, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें, 1800-110-430। अब हम डॉक्टर विनीता कुमारी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम पद्मावत पर और चर्चा करें। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। मित्रों, आज हम पद्मावत पर ही चर्चा कर रहे हैं और अभी मैंने जैसे बताया कि पद्मावती परमात्मा की प्रतीक है और जो साधक है रत्नसेन, वो जीवात्मा का, साधक का प्रतीक है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक में भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है और उसके लिए जायसी कहते हैं कि प्रेम तक पहुंचने के लिए साधक में आत्म परिष्कार, जागृति, समर्पण और त्याग का होना अनिवार्य है। जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, शीश चढ़ उतारे भूई धरे, जब तक ये वाली बात नहीं होगी, जब तक आत्म परिष्कार नहीं होगा, अपने आत्म शुद्धि नहीं होगी, जब तक एक जागृति नहीं आएगी, तब तक प्रेम तक नहीं पहुंचा जा सकता। और प्रेम में एक निष्ठता, अनन्यता, दृढ़ संकल्प वृत्ति और एकाग्रता होना अनिवार्य है। साधक में जब ये गुण हो तभी वे प्रेम तक, अपने प्रेम तक पहुंच पा सकता है। अब साधक रत्नसेन अपने प्रेम पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों को पास करता है। उसका प्रेम एक निष्ठ प्रेम है। वे अनन्य भाव से एक दृढ़ संकल्प वृत्ति लेकर के योगी का वेश धारण करके निकलता है। मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, अप्सराएं आती हैं, अप्सराएं उन्हें बहलाने का भी प्रयत्न करती हैं, परंतु रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम एक निष्ठ प्रेम है और वह उन अप्सराओं के बहकाने में भी नहीं आता है और आगे बढ़ता है। और पद्मावती का सौंदर्य कैसा है? अलौकिक, दिव्य सौंदर्य है। और सूफी दर्शन के अनुसार जैसी ही पद्मावती के सौंदर्य का जब चित्रण करते हैं तो वे कहते हैं कि जो पद्मावती का नूर है, उसका जो ज्योति है,
वो सारे संसार में परिव्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है, और उसी नूर से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कि पद्मावती के सौंदर्य प्रेम सौंदर्य का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं, जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते जीति ज्योति ओहि भई, रवि ससि नखत दीपत ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। सौंदर्य प्रेम सौंदर्य में जो प्रिय पद्मावती है उसके सौंदर्य का जब नक्षिक वर्णन कर रहे हैं, सिर से लेकर के पैर तक वर्णन करते हैं, तो एक एक अंग के सौंदर्य में विभिन्न उपमानों का प्रयोग करते हैं, अप्रस्तुतों का प्रयोग करते हैं, और उस सौंदर्य को सर्वव्यापक दिखाना कवि का उद्देश्य रहा है। और कवि ये कहते हैं कि जब उसके दांतों की जो ज्योति है, उसकी जो चमक है, नूर है, उसी से सारे संसार में ज्योति है। जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा जो ज्योति है, वो उसके नक्षत्रों में जो प्रकाश है वो उसी ज्योति के कारण है। कि रवि ससि नखत, रवि सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में वो जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, वही ज्योति, उसी ज्योति का प्रकाश है। और जितने रत्न हैं, जितने बहुमूल्य पदार्थ, माणिक मोती आदि हैं, उन सब में जो ज्योति है वे भी उस पद्मावती की ही ज्योति है। जहन जहन विहसी स्वभाव ही हसी, तहाँ तहाँ छिटकी ज्योति पर गसी। बहुत सुंदर चित्रण किया है कि जहाँ जहाँ उसकी हंसी प्रकट होती है और वहाँ वहाँ ज्योति प्रकट हो जाती है, ज्योति छिटक जाती है। दामिनी दमकी न सरवरी पूजा, पुनि वह ज्योति ओह को दूजा। कि उस ज्योति का मुकाबला, उस ज्योति का उपमान कोई और, उसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। बिजली की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। हसत दसन तस चमके, पाहन उठे झरक, दारिव सरी जो न कही सका, फाट्यो हिया फरक। कि उसके जो, जब वो व्यसित हंसती है तो उसके जो दांतों की चमक है उससे तो पर्वत तक झटक जाते हैं, पर्वत तक हिल जाते हैं। और जो दारिव अनार है, अनार दांतों की उपमा अनार के दानों से की जाती है, जो अनार में चमक होती है वही दांतों की चमक में उसके उपमित किया जाता है। परंतु यहाँ उसके दांतों की शोभा के सामने अनार भी नहीं टिक सका और उसका हृदय भी दरक गया, उसका हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया। तो दारिव सरी जो न कह सका, फाट्यो हिया, कि वो अपनी व्यथा नहीं कह पाया और वो उसका हृदय दरक गया। इस तरह से जो पद्मावती का अपूर्व सौंदर्य है और उस सौंदर्य को पाने के लिए मानसरोवर तक लालायित है, मानसरोवर भी उसके स्पर्श के लिए, उसके चरणों के स्पर्श के लिए इच्छुक है। कि जब वे सरोवर के पास आती है, मानसरोवर के पास आती है और अपने केश खोल लेती है, तो सरोवर जो है उसमें लहरें उठने लगती हैं और वो लहरें उसके पैरों तक पहुँचते हैं। इसका बहुत सुंदर चित्रण, एक बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने जायसी प्रस्तुत करते हैं। सरोवर रूप विमोहा, हिये हिलोरे करही, पाए छुए मकु पावो, तेही मिसु लहरे दे। कि सरोवर भी उस रूप को देख करके विमुग्ध, विमोहा, मोही मुग्ध हो जाता है और उसके हृदय में हिलोरे उठने लगती हैं, उसका हृदय अप्लावित हो जाता है प्रेम के रस से, और वह उसके पैरों को छूने के लिए, स्पर्श करने के बहाने से अपनी लहरों को ऊंचा उठाता है। कहा मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ चली आए, भा निर्मर तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। कि मानसरोवर जो है उसकी भी इच्छा पूरी हो गई, उसने जो चाहा था वे उसे मिल गया और पारस रूप प्रिय जो है स्वयं चल करके वहाँ आ गया और उसको, उसके चरणों का स्पर्श करके मानसरोवर जो है वो निर्मल हो जाता है। भा निर्मल तिन पायन पर से, उनके चरणों का स्पर्श कर पावा रूप रूप, और इस तरह के अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त किया। तो अब ये जो पद्मावती के पर प्रेम है,
उसका जो सौंदर्य है, वे उसका चित्रण जब जायसी करते हैं तो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। पूरी पद्मावत की जो कथा है वे प्रतीकात्मक कथा है। एक और लौकिक प्रेम कथा चलती है और दूसरी ओर अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम का, आध्यात्मिक सूफी साधना का उसमें पता चलता है। और एक बहुत सुंदर रूपक बांधा है जो पद्मावत के 57 खंड है और आखिर में जो उपसंहार है, और उपसंहार में ये पंक्तियाँ आती हैं कि मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, 14 भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही। कि मैंने सभी पंडितों से, विद्वानों से इसके अर्थ को पूछा और उसने ये कहा कि जो 14 भुवन, 14 लोकों में जो ऊपर नीचे की धरती से ऊपर और धरती के नीचे जो 14 लोक कहे जाते हैं, वे कहीं बाहर नहीं है, वे सब मनुष्य के हृदय के भीतर, मनुष्य के शरीर के अंदर है। ते सब मनुष्य के घट माई, मनुष्य के शरीर में ही है। और फिर वो पूरा रूपक बताते हैं किस तरह से, क्योंकि कहानी क्या है, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की और स्विंगल द्वीप की रानी पद्मावती की और नागमती अलाउद्दीन, ये पात्र आते हैं। तो इन पूरे पात्रों का जो प्रतीकात्मक वर्णन है, उसके जो प्रतीक हैं, उसको इन पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं। तन चित्त उर मन राजा की ना, कि तन शरीर जो है वो चित्तौड़ है, मन राजा की ना, और राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है। ही ए सिंगल, सिंगल द्वीप हृदय है, और बुद्धि पद्मिनी चीना, और पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, उसे बुद्धि का है। गुरु सुवा जेई पंथ दिखावा, हीरामन जो सुवा है, तोता जो है वो गुरु है, क्योंकि बिना गुरु के अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गुरु सुवा जेई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिना गुरु के, बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार में उस निर्गुण को, परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती को दुनिया धंधा कहा है। बाचा सोई ना यही चित बता, वही साधक बच पाया है दुनिया के धंधे से जिसने अपने चित्त को उसके साथ बांध कर नहीं रखा, जो उससे छूट करके चला गया है। राघव दूत सोई सैतानो, माया अलाउ दीन सुल्तानो। भारतीय दर्शन में भी माया की परिकल्पना की गई है, शंकराचार्य भी माया की बात करते हैं कि ये जो आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद उत्पन्न करने वाली शक्ति, वह माया है। और यहाँ जायसी भी राघव दूत को शैतान और अलाउद्दीन सुल्तान को माया के रूप में चित्रित कर रहे हैं। जो साधक रत्नसेन को परमात्मा रूप पद्मावती से मिलने में बाधक बनते हैं, उनके मिलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ, कि जो मैं रत्नसेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा को कह रहा हूँ, उसको इस प्रकार से विचार करना चाहिए, इन आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से विचार करें, बूझ लेऊ जो बूझे पर, और तभी इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ समझ पाएंगे। तो ये पंक्तियाँ देख करके पद्मावत की जो पूरी कहानी है उसके आध्यात्मिक प्रतीक स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रेम कथा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की कथा है, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुँचने की कथा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका जब लिखी, तो वे उनकी इस प्रतीकात्मकता पर आश्चर्यचकित होते हैं और वे कहते हैं, एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव, शुद्ध भाव श्रृंगार रस के रति भाव की बात कर रहे हैं, कि शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाता दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। कि आध्यात्मिकता की ओर किस तरह से ये प्रेम कथा
बढ़ रही है, किस तरह से उस ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, यही कहना जायसी का मूल लक्ष्य है। और जायसी स्वयं कहते हैं, कहा मुहम्मद प्रेम कहानी सुनी सो ज्ञानी बहे ध्यानी, कि इस प्रेम कथा को कोई ज्ञानी ही सुन समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। कहे प्रेम की बरनी कहानी जो बूझे सो शुद्ध ज्ञानी, कि ये जो प्रेम की कहानी है, जो इसको समझ लेता है वही ज्ञानी बन जाता है, वही सिद्ध बन जाता है। तो इस तरह से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का, आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण करना जायसी का मूल उद्देश्य रहा है। और इनके इन्हीं आध्यात्मिक प्रतीकों की, जायसी के आध्यात्मिक प्रतीकों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो प्रसिद्ध इतिहासकार भी रहे, प्रसिद्ध एकांकीकार भी हैं, और जिनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, और उसमें वे जायसी के पद्मावत के आध्यात्मिक प्रतीकों के बारे में कहते हैं, जायसी के पद्मावत में कहीं रूपक द्वारा, कहीं कथा प्रसंगों के माध्यम से, कहीं घटनाओं, वर्णनों और संवादों के माध्यम से, तो कहीं प्रेम और सौंदर्य के अलौकिक वर्णन द्वारा कवि ने आध्यात्मिक व्यंजना का समावेश किया है। तो उद्देश्य तो वही आध्यात्मिक व्यंजना रहा है, और उसके लिए अलग अलग माध्यम अपनाए, कभी रूपक का सहारा लिया है, कभी कथा प्रसंगों का सहारा लिया, कभी घटनाओं वर्णनों का सहारा लिया, कहीं संवादों के बीच में इस तरह से कह गए, कहीं प्रेम और सौंदर्य की अलौकिकता प्रस्तुत करते हुए ऐसे वर्णन कर गए। अतः इस बात को निश्चय ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है और सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। तो इस तरह से मित्रों, हमने अभी पूरी चर्चा की पद्मावत की प्रतीक योजना पर, उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए प्रतीकों पर, पूरी उनकी कथा किस तरह से प्रतीकों से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं पद्मावत के रस की बात करते हैं। पद्मावत का जो अंगी रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त वीर रस का वर्णन भी है, जब युद्धों का युद्ध चलते हैं तो उनमें वीर रस भी है। जब पद्मावती वियोग वर्णन भी है तो वियोग श्रृंगार रस भी है, और जब रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ करुण रस भी है, तो भयानक रस का भी चित्रण है। तो अनेक रसों की योजना है, पर अंगी रस मुख्य रस के रूप में श्रृंगार रस को देखा जा सकता है। और श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार। जायसी के पद्मावत में हमें दोनों प्रकारों का स्फुरण दिखाई देता है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार की जब बात करते हैं तो संयोग श्रृंगार का में जो प्रेम का स्फुरण है वो गुण कथन द्वारा हुआ है। चार प्रकार से माना जाता है, गुण कथन द्वारा, श्रवण द्वारा, स्वप्न दर्शन द्वारा या चित्र दर्शन द्वारा। तो जायसी ने जो पद्मावत में रत्नसेन के हृदय में प्रेम का स्फुरण है वो गुण कथन द्वारा प्रस्तुत किया है। जब हीरा मन रत्नसेन के सामने पद्मावती के गुणों का गान करता है तो उसे सुन करके राजा रत्नसेन के मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है और वे मूर्छित हो जाता है। सुनता ही राजा गा मूर्छाई, कि उसके गुणों का गान सुनते ही राजा जो है वो मूर्छित हो जाता है। मानहु किरण सूरज के आई, परा सो प्रेम समुद्र अपारा, लहरई लहर होई बेसंभरा। उसे अपनी सुदबुद अपना होश नहीं रहता है। रत्नसेन के मन में पद्मावती को गुणों को सुनकर के प्रेम भाव जागृत होता है, और दूसरी ओर पद्मावती के मन में भी रत्नसेन के बारे में सुनकर के उसके मन में भी उसी तरह से प्रेम भाव जागृत होता है। और जब शिव मंडप में जाकर के रत्नसेन पद्मावती से मिलता है, दोनों की भेंट होती है, और उसके बाद प्रेम भाव जागृत हो जाता है और फिर दोनों का विवाह होता है। और जब रत्नसेन दूल्हे के रूप में
उनके द्वार पर पहुंचता है तो उस समय की भाव दशा का चित्रण जायसी बहुत सुंदर शब्दों में करते हैं। पद्मावती के हृदय उल्लास और प्रेमातिरिक्तता का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं, हुल से नैन दरस मद माते, हुल से आधर रंग रस राते, हुल सा बदन ओप रवि पाई, हुल सी हिया कंचुकी न समाई, हुल से कुछ कसनी बंद टूटे, हुल सी भुजा वले कर फूटे, आज चांद घर आवा सूर्य, आज तो चंद्रमा के घर में सूर्य आ रहा है, आज सिंगार होई सब चूर, अंग अंग सब हुल से। तो उनको देख करके एक एक अंग उनका हुलसित प्रसन्नता से भर जाता है। कौ कतहू न समाई, ठावई ठाव विमोही गई मूर्छा तन छाई। तो साधक के मन में प्रिय को देख करके जो भाव जागृत होता है, प्रिय परमात्मा के मन में भी अपने साधक के प्रति, आत्मा के प्रति उसी तरह से प्रेम भाव जागृत होता है। तो सूफी प्रेमाख्यानों में दोनों के हृदय में समान भाव से प्रेम भाव जागृत होना दिखाया गया है। जी नीता जी, यहाँ पर रुकना चाहेंगे। आपको एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, इनसे बात करते हैं, उनका प्रश्न पूछते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। जी मेरा नाम पवन है। जी पवन जी, मैं मैम से ये जानना चाहता हूँ कि जो पद्मावती थी उनका जोहर करना कितना उचित है? क्या ये लिंग असमानता, लिंग गैर बराबरी का घोतक नहीं है? जी जी, ये जानना चाहते हैं कि जो पद्मावती थी उनका जौहर करना कितना हम कह सकते हैं कि सिद्ध रहा? क्या अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो क्या उसमें ये ठीक था या नहीं था? पवन जी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं आज के संदर्भ में उसको जोड़कर बात कर रहे हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो सती प्रथा को उचित नहीं माना जाता है, पर स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। पर जब मध्यकाल की बात देखें और मध्यकाल में स्त्री को अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अलाउद्दीन जब उसको अपहरण करने के लिए आता है, अलाउद्दीन उसको जबरदस्ती ले जाना चाहता है, तो अपने चरित्र की रक्षा करते हुए वे सामूहिक जौहर करती हैं। और राजपुताने में, राजस्थान में ये परंपरा चली आ रही थी। वे समय था, उस समय की एक अनिवार्यता रही होगी, परंतु आज स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज वे स्थितियां नहीं हैं कि स्त्री को अब पति के जाने के पश्चात उसके सामने कोई और विकल्प ना रह जाए। तो आज अनेक विकल्प हैं। तो आज की दृष्टि से देखें तो ये अप्रासंगिक है, आज ठीक नहीं है, पर उस समय की स्थिति के अनुसार वही उनके लिए उचित था। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और अपना प्रश्न पूछने के लिए। और यहाँ पर नीता जी ने बहुत अच्छी बात उजागर की है कि किस प्रकार अपने आत्मसम्मान के लिए एक महिला एक ऐसा स्टेप उठाती है, कि ऐसे सीढ़ी को अपना रास्ता बनाती है जिससे कि वो स्वयं को सुरक्षित कर सके। मित्रों, अभी भी आपके पास समय है, आप अगर चाहते हैं डॉक्टर नीता कुमारी से प्रश्न पूछना तो आप संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 1800-110-430। आप पद्मावती या यूं कह लीजिए जायसी की पद्मावत पर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर नीता कुमारी, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। हम पद्मावत में रस की बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस की। तो संयोग श्रृंगार का तो वर्णन अभी हमने किया, अब हम बात करते हैं विप्रलम्ब श्रृंगार रस की। विप्रलम्ब श्रृंगार में जब राजा रत्नसेन योगी का वेश धारण करके पद्मावती की तलाश में चले जाते हैं, तो उनके वियोग में जो उनकी पत्नी नागमती थी वो किस तरह से विरह में एक एक दिन एक एक क्षण व्यतीत करती है, उसका वर्णन बड़ा ही प्रभावोत्पादक, मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी जायसी ने प्रस्तुत किया है। और इसको फारसी मसनवी के अनुसार, फारसी शैली के आधार पर 12 मासा के रूप में चित्रित किया गया। एक एक महीने में जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है उसका प्रभाव नायिका के हृदय पर भी उसी के अनुरूप होता है। आषाढ़ के महीने से आरंभ करते हुए जैसे तीज आती है, वसंत आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो किस तरह से नायिका प्रकृति के में होते हुए परिवर्तन के कारण एक
उसका विरह और अधिक बढ़ता चला जाता है, उसकी अवस्था और अधिक कष्ट से युक्त होती चली जाती है, इसका चित्रण करते हैं। नागमती कहती है, जी ही घर कंता ते सुखी, तिन गारों तिन गर्भ, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर। कि जिनके पति उनके घर में हैं, उनके साथ हैं, वही सुखी हैं, उन्हें ही गौरव है, गर्व है अपने पति पर, अभिमान है। और जिनके पति, जिनके स्वामी बाहर हैं, उनके तो सब सुख दूर हैं, सब सुखों से परे हैं। और बदलती हुई ऋतुओं का एक परवश अबला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण जायसी करते हैं। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन ढाक, किमि मैं भेटूं कंत तुम, ना मोहि पाव न पाक। विवशता है, वो मिलना चाहती है, ना तो उस रास्ते में अनेक पर्वतों का अवरोध है, अनेक समुद्र बीच में आते हैं, बीहड़ वन है और घने वन है, तो मैं कैसे मिलूं, मेरे पास ना तो पंख है कि मैं उड़कर आ सकूं, और दूरी इतनी है कि मैं उसे पैरों चल करके भी नहीं प्राप्त कर सकती। तो एक असमर्थता की स्थिति का वर्णन है। और नागमती का विरह वर्णन, उसकी उन्माद दशा, पशु पक्षियों का उससे सहानुभूति प्रकट करना, प्रकृति जो है वियोग के समय में सहचरी बन जाती है। नायिका को ऐसा लगता है कि उसका दुख पशु पक्षियों तक, चर अचर सभी प्राणियों तक उसका दुख पहुंच गया है, और वे पक्षियों के द्वारा संदेश प्रेषित करने का प्रयास करती है। और बड़े सुंदर शब्दों में, जैसे कौआ है, भंवरा है, उनका रंग स्वाभाविक रूप से काला है, परंतु यहाँ कवि ये कल्पना करता है कि उनका रंग काला किससे हो गया, उस विरह के कारण, जो नायिका के हृदय से आह निकली है, उसके जो धुआं निकला है, उससे उनका रंग काला हो गया। पियसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, जो धनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। कि वो जल करके मर रही है, और उसके जल आह, विरह की आग में जलने से जो धुआं उठा है, उसके कारण हमारा वर्ण जो है वो काला हो गया है। और इस नागमती के वियोग वर्णन को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, नागमती के वियोग वर्णन में वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं तथा व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की सहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अलंकृत, स्निग्ध, सरल, मृदुल और प्राकृत प्रवाह देखने योग्य है। कि इतनी सारी विशेषताएं नागमती के विरह वर्णन में मिलती है। प्रकृति उसके सुख दुख की सहचरी बन गई है, और उस वेदना को बड़ी अलंकृत भाषा में, बड़ी मृदुल सरलता से कवि जो है वो प्रस्तुत करते हैं, और वे सचमुच में देखने योग्य है। और इसके साथ ही जायसी ने जो पद्मावत की भाषा जो है वो ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है, और दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में समन्वय लाने का प्रयास जायसी करते हैं। और जो लोक प्रचलित काव्य रूढ़ियाँ थी, लोक प्रचलित जो कथानक था, प्रेम कथानक था, उसका प्रयोग किया है। कहीं कहीं अनावश्यक विस्तार मिलता है, जिससे अरुचिकर इतिवृत्तात्मकता होती है, परंतु उनके उस वर्णन को पढ़ करके जायसी की बहुज्ञता का पता चलता है, कि वो ज्योतिष शास्त्र के, काम शास्त्र के, काव्य शास्त्र के, बागवानी के, शास्त्र विद्या आदि के ज्ञाता थे, और इनका विशद विवेचन इनके काव्य में मिलता है। तो एक उदात्त महाकाव्य के रूप में आज हमने पद्मावत की चर्चा की, उस पर बात की। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी का, जिनके माध्यम से हमने आज के इस व्याख्यान को पूर्ण किया। मित्रों, आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, या फिर अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, तो आप लिख भेजें info.cc@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।